वड़ा पाव गर्ल अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करेगी मुझे नहीं पता था। तो कल के व्लॉग में मैं वड़ा पाव गर्ल पे गया था, लेकिन मुझे वहाँ पर वो देखने को नहीं मिली थी। और तुम लोगों को मेरे रिव्यू पर इतना ज्यादा भरोसा कि मुझे वहाँ जाने का कह कह कर तुमने मेरे कमेंट्स में बारिश कर दी थी। तो जार्किस पे बैठकर हम लोग वड़ा पाव वाली के पास पहुँचाते, जहाँ पहुँचकर हमें भयंकर भीड़ और जाम देखने को मिलता है और साथ में कॉन्टेंट बनाने वालों का झुंड भी। क्या मतलब मैं भी यही करने आया हूँ। तो यहाँ पर हमको लड़का और लड़की की अलग लाइन देखने को मिलती है, लेकिन हम लड़कों ने लड़कियों की लाइन में घेर ली थी क्योंकि यहाँ पर और कोई लड़की नहीं थी। पर यहाँ पर दीदी जी कैमरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और कस्टमर्स पे चिल्ला रही थी। लेकिन इसमें दीदी की भी गलती नहीं है, लोग दुकान के ऊपर चढ़े ही जा रहे थे। फिर हम लोग लाइन में लग जाते हैं, तो करीबन 20 मिनट के बाद हमें कंटेंट मेरा मतलब वड़ा पाव मिल जाता है। तो बांड को इसका टेस्ट ठीक ठाक लग रहा था और मैं इसको 10 out of 8 देता हूँ। उसके बाद हम लोग डुप्लीकेट वड़ा पाव वाली के पास आ जाते हैं, लेकिन इनका बन कुछ ज्यादा ही हार्ड था। तो ये सब था सिर्फ तुम्हारे लिए। अब भाड़ में गया वड़ा पाव, मैं सीधा मोमोज खाने पहुंच जाता हूँ, उसके बाद राजमा चावल भी खाता हूँ, क्योंकि ना वड़ा ना पाव, जाके मोमोज खाओ।